में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं जनरल साइंस को। तो यहां पे इस फिजिक्स का जो अप्रोच रहेगा, जो हमारा जो सेशन रहेगा, हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण यूनिट को कवर करेंगे। तो ये पहला जो महत्वपूर्ण यूनिट रहेगा, दैट इज अबाउट अ मैकेनिक्स या फिर यांत्रिकी कहते हैं इसे। आप क्या कहते हैं? मैकेनिक्स या यांत्रिकी, जिसमें कि सामान्य यांत्रिकी और तरल यांत्रिकी यानी फ्लूइड मैकेनिक्स को भी हम यहां पे कवर करेंगे। तो यहां पे इसका बेसिक एंड फंडामेंटल पार्ट में यदि आप देखते हैं, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, दोनों में एक चीज कॉमन होता है, या पूरी तरह से साइंस में एक चीज कॉमन होता है कि किसी भी राशि या क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, किसी न किसी यूनिट या मात्रक से उसे मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है। अब ये राशि क्या है? देखो, साइंस की भाषा में यदि हम कहा जाए, आप किसी को भी यदि हम किसी क्वांटिटी या किसी संख्या में आप निरूपित कर सकते हैं। मैंने कहा किसी भी चीज को अगर आप उसे संख्या में रिप्रेजेंट या निरूपित कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे राशि या क्वांटिटी कहते हैं। ठीक। अब किसी भी राशि को हम यदि किसी भी प्रकार के ऐसे चीजों से मेजरमेंट करते हैं, मापा जाता है, तो जिससे मापा जाता है, एक मानक उसका मापन होता है, लाइक एक स्टैंडर्ड उसकी मेजरिंग होती है, मेजरमेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक या यूनिट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मात्रक या यूनिट कहते हैं। जैसे कि अगर आप पढ़े होंगे क्लास टेंथ में, जिसमें कि आप डिफरेंट टाइप के मात्रक आप पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे CGS, ठीक है, पढ़े सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक। ये क्या होता है? बेसिकली एक फ्रेंच मात्रक है। एक क्या है, फ्रांस में इस प्रकार का मापन किया जाता है। आप देखते हैं क्या है, FPS के बारे में नाम सुने होंगे, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, फुट पाउंड सेकंड, पाउंड सेकंड। तो इसमें जैसे ग्राम से मापा जा रहा था, यहां पे पाउंड से मापते हैं। ठीक, ये बातें क्लियर हो गई। ये क्या है, ब्रिटिश कल्चर के अंतर्गत आता था। वैसे ही क्या है, MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक, तो मीटर किलोग्राम सेकंड से भी हम मापते हैं कि लंबाई को हम क्या करते हैं या दूरी को हम क्या करते हैं, मीटर से माप देते हैं। ठीक है, उसके बाद किलोग्राम वजन को या मास या द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, किलोग्राम से मापते हैं। ब्रिटिश पद्धति में पाउंड से मापते हैं, इसमें क्या, ग्राम से मापते हैं। समय को सेकंड से मापते हैं। तो ये क्या है, किसी भी राशि या किसी भी क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, उसके थ्रू मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके थ्रू माप रहे हैं। आई होप ये बातें क्लियर हो गई। तो ये क्या है, आपका अलग अलग प्रकार का एक सिस्टम है, एक पद्धति है। बट जो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल जो लाइक कहना चाहिए यूनिट है, उसे हम कहते हैं SI यूनिट। और वास्तव में देखते हैं ये, इसमें क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड को ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा, इसी SI पद्धति के द्वारा, SI सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है। तो अब दो बातें क्लियर हो गई, राशि किसे कहते हैं, इसे संख्या से मापा जाता है उसे राशि कहते हैं, और जिस यूनिट में उसे मेजरमेंट किया जाता है ना यार, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अब देखो, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए होंगे तो आप देखेंगे आपको कई बार क्या देगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब का लाइक यूनिट कौन सा है। आपको पूछ देता है लाइक एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है। तो इस प्रकार का जो यूनिट पूछा जाता है, मात्रक पूछा जाता है, यही आपके लिए सबसे काम की चीज है, क्योंकि हमारा अप्रोच क्या है, पूरी तरह से जनरलाइज अप्रोच रहेगा। तो हम उसी जोन्स को हिट करेंगे जहां से बार बार क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो इस पार्ट, इस फंडामेंटल पार्ट में देखिए, अगर हम देखते हैं इसे सात, इस लाइक विज्ञान के अंतर्गत सात महत्वपूर्ण ऐसे क्या है, यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट कह सकते हैं, है ना, मूल मात्रक है। मूल मात्रक मतलब वो मात्रक होता है जो खुद वहां से दूसरे प्रकार की चीजें डिराइव हो सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं, है ना, लाइक ये किसी प्रकार का मिक्सचर नहीं होता, किसी प्रकार का इसमें मिश्रण नहीं होता। जैसे लंबाई, तो लंबाई क्या है, देखते ही पहला जो मूल मात्रक है, याद रखिए कितना मैंने बताया, सात मूल मात्रक है। आपको नाम यहां पर पूछा जा सकता है, इनमें से मूल मात्रक कौन सा है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सा है। तो एक देखते हैं लंबाई, लंबाई को हम यहां पे MKS में याद करो, मैं बताया था MKS, ठीक, तो मीटर, उसमें मीटर लंबाई है तो मीटर से मेजरमेंट करेंगे। उसी प्रकार देखते हैं द्रव्यमान या मास, मास को यहां पे देखो किलोग्राम है तो किलोग्राम से हम मेजरमेंट करते हैं। उसी प्रकार टाइम को सेकंड से मेजरमेंट किया जाता है।
इसके अलावा अगर आप देखते हैं टेम्परेचर या ताप को केल्विन से हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे यहां पे पूछ सकता है कि केल्विन की जगह सेल्सियस या फ़ारेनहाइट दे देगा, और आपको पूछा जाएगा कि एमकेएस या एसआई यूनिट में इसका एसआई यूनिट कौन सा है, आपको सीधा पूछेगा टेम्परेचर का एसआई यूनिट कौन सा है। ठीक, तो यहां पर याद रखिएगा केल्विन है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी को अगर देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें हम यहां पे देख रहे हैं एम्पियर से मापा जाता है ना, करंट को किससे मापा जाता है, एम्पियर से। उसके बाद देखते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला से मेजरमेंट करते हैं। और यहां पे देखते हैं पदार्थ की मात्रा, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये इसे मेजरमेंट किया जाता है मोल से। ठीक, तो यहां पे सिर्फ और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा जो है फंडामेंटल यूनिट है, कौन सा मूल मात्रक है, समझ गए। अब क्या करते हैं, कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट भी होते हैं, कुछ सप्लीमेंट्री मात्रक भी होते हैं, संपूरक मात्रक। एक होता है आप देखते हैं समतल कोण, जिसे रेडियन से मापा जाता है। दूसरा जो है ना ठोस कोण भी कह सकते हैं इसे, है ना, या घन कोण कहते हैं उसे, स्टेरेडियन से मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ प्लेन, है ना, और एंगल ऑफ सॉलिड, ठीक है, इसे रेडियन और स्टेरेडियन से मेजरमेंट किया जाता है। ये बातें क्लियर हो गई, तो ये बेसिक चीज था। अब देखो जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं उनका जो है यहाँ पे कलेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और अभी चैप्टर्स में आगे आप कुछ कुछ और भी इस प्रकार की चीजें देखते चलेंगे। तो देखो एक है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बल। बल का जो है यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या है, एसआई, यानी यहाँ पे जो एक्सेप्टेबल पार्ट है मीटर किलोग्राम सेकंड एमकेएस यूनिट को लेते हुए यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो फोर्स या बल का जो है मात्रक होता है न्यूटन, एंड कार्य ऊर्जा और ऊष्मा के लिए क्या क्या देखो यहाँ पे वर्क एनर्जी और हीट के लिए वहां पर क्या मेजरमेंट किया था, जूल के थ्रू इसे लेते हैं। आपको ये सिंबल में एडिशनल लिख दिया हूं, बट ये आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपको जानना चाहिए बस। ठीक है, तो यहां पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं पावर या शक्ति को हम क्या है, वॉट से मेजरमेंट करते हैं, उसका यूनिट क्या है, वॉट है, दाब। दाब ये यहां पे देखो सिंपल जो दाब या प्रेशर होता है उसके लिए पास्कल यूज किया जाता है, लेकिन जब हम देखेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब, तो वहां पर बार यूज किया जाता है। ठीक है, बार, ठीक है, जैसे कि एक बार इक्वल टू 10^5, ये होता है एक जो होता है एक बार का इसकी वैल्यू। ठीक, उसके बाद देखते क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम से या कूलम से मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, उसका यूनिट विद्युत वाहक बल और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्ट से मेजरमेंट किया जाता है, उसका यूनिट क्या है, वोल्ट है। कैपेसिटी है ना, तो कैपेसिटर आपने नाम सुना होगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहां पे कैपेसिटी या कैपेसिटर के लिए हम फैराड यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिव या मैग्नेटिक जो एरिया है, मैग्नेटिक एरिया जो है या मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, चुंबकीय प्रेरण के लिए टेस्ला यूज किया जाता है। ठीक, प्रेरकत्व या इंडक्टेंस के लिए कौन सा यूज किया जाता है, हेनरी, हेनरी यूज किया जाता है। फ्रिक्वेंसी के लिए हर्ट्ज यूज किया जाता है। और उसके बाद देखते क्या है यहाँ पे, प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे देखते हैं ओम यूज किया जाता है, या ओम इनटू मीटर यहाँ पे इसे स्टैंडर्ड तरीके से लिखा जाता है। ये बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई, ये बेसिक है हमारा यहाँ पे जानना, दो चीज के लिए इसे मैं बताया कि किसी भी राशि को हम किसी न किसी यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसका मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक। तो बार बार एग्जाम में ये मात्रक पूछा गया है, हालांकि इन जनरल या साइंस वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही सिली और बहुत ही बेसिक टाइप की चीज है जो ऑलरेडी वो जानते भी होंगे, लेकिन यहां पे हम सभी स्टूडेंट्स को कवर करते हुए इसे बता रहे हैं, इसलिए इसे याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब एक्चुअल पार्ट जहां से हमको मैकेनिक्स का ये पार्ट स्टार्ट करना है। तो यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक होता है सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश राशि। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पे देखो सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, है ना, और अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पे बात आ रही है इसके वर्डिंग्स में, इसके वर्डिंग से बहुत सारी चीजें आप आसानी से लगा सकते हैं लॉजिक। सदिश मतलब जिसका दिशा हो और जिसका एक मैग्नीट्यूड हो, यानी कि इसका परिमाण और दिशा हो। क्या क्या मैंने बताया, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि
यानी कि इसका परिमाण हो प्लस इसका एक क्या है डायरेक्शन हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। समझ गए? मैंने कहा यहां पे ध्यान देना है दो महत्वपूर्ण बातों को कि जब यहां पे आपको मिक्स करके दे देगा बहुत सारी, आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि कौन सा है और सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, ये सीधा सीधा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां पर जनरली इसके जो एग्जाम्पल को मिक्स करके देगा कि इसमें से कौन सा है स्केलर और कौन सा है वेक्टर, तो इसलिए इसे ध्यान देना है कि परिमाण और दिशा यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे सदिश राशि कहेंगे। लेकिन यहां पे जब बात करते हैं अदिश राशि तो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इसकी क्या है, डायरेक्शन नहीं होती, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, अभी इसके एग्जाम्पल में चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर होगी। जैसे ऊपर वाले पार्ट में देख रहे हैं कि डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए, परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए। तो जैसे कि देखते हैं यहां वेग, किसी की वेलोसिटी लाइक 10 मीटर पर सेकंड है तो किस डायरेक्शन में जा रही है ये देखा जाएगा। लेकिन वहां पे स्पीड वर्ड यूज कर दिया जाएगा, चाल वर्ड यूज किया जाएगा, तो चाल यहां पर क्या है, अदिश राशि है। चाल क्या है, अदिश राशि, याद रखना चाल अदिश राशि है, वेग क्या है, सदिश राशि है। ठीक, ये बातें क्लियर हो गई। दूसरा त्वरण या एक्सीलरेशन कहते हैं, एक्सीलरेशन मतलब प्रति सेकंड जो इसके जो वेलोसिटी में जो इंक्रीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन या त्वरण कहते हैं, और जो प्रति सेकंड जो कमी होगा उसे क्या कहते हैं, ये इसे हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, है ना, डी एक्सीलरेशन जिसे हम कहेंगे मंदन, स्पीड का कम होना, त्वरण मतलब स्पीड का प्रति सेकंड बढ़ना। डिस्प्लेसमेंट है ना बल आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, आपका जो है यहाँ पे भार है, प्रतिबल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो ये सभी क्या है जो इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके सदिश राशि के। ठीक, ये बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो, यदि हम स्केलर क्वांटिटी को देखते हैं जिसमें कि केवल दिशा, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, दिशा रहित होता है, तो यहां पे क्या देख रहे हैं, इसका एग्जांपल हमने देखा पहला स्पीड या चाल है। लंबाई, जैसे लंबाई, किसी की लंबाई 5 मीटर है तो किस दिशा में लंबाई है पूछा जाता है, क्या सिर्फ लंबाई से मतलब होता है 5 मीटर है। किसी का आयतन यानी कि वॉल्यूम्स, किसी का डेंसिटी, समय, टेम्परेचर या कार्य, ये सब चीज किया जाता है। तो जैसे आपको पूछा जाए कितना बजा है तो आप बजा बोलेंगे 11 बजा है, तो किस दिशा में बजा है पूछते हैं या नहीं पूछते ना, तो उसमें क्या है, आपको सिर्फ परिमाण या उसकी वैल्यू को बता रहे, उसका मैग्नीट्यूड को बता रहे, उस नंबर्स को बता रहे, ना कि किस दिशा की बात कर रहे, दिशा इसमें होता ही नहीं है, है ना। आई होप ये बातें क्लियर हो गई। तो ये क्या है आपका, उसी प्रकार कार्य है, ऊर्जा है। विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा एक अपवाद है जो यहाँ पे इसमें शामिल है। इसमें क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं विद्युत धारा में, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो है और यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसकी क्या होती, दिशा नहीं होती। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे यहाँ पे हमने शामिल किया है। और वैसे ही देखा जाए आवेश है ना, चार्ज है, रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल है और विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट है, ये भी सब क्या है यहां पे देखते हैं कि ये आपका स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशि का एग्जांपल है। आई होप ये बातें क्लियर हो गई। तो इसमें ये याद रखना, आप थोड़ा सा जब भी पढ़ेंगे जनरल साइंस में फिजिक्स को तो अदिश सदिश राशि का जो है ये बार बार आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां पर एक बात आती है, एक अगला जो चैप्टर जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज द इनर्शिया, इनर्शिया या जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया या जड़त्व एक्चुअल में 3 टाइप का होता है। ठीक, तो ये क्या चीज है इसे हम देखते हैं। तो यहां पे इनर्शिया का मतलब ये है कि यहां पे देख रहे हैं कि किसी एक वस्तु के सापेक्ष यहां पे हम इनर्शिया को हम देख रहे हैं कि वो गति का जड़त्व है या वो विरामावस्था का जड़त्व है या वो दिशा का जड़त्व है। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं कि आप इनर्शिया को क्या है, जैसे हम देखते हैं किसी भी एक वस्तु है वो स्थिर है और एक वस्तु देखते हैं वो गतिमान है या वो उसमें क्या मोशन है, और एक ऐसा देखते हैं इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है।
तो इस प्रकार तीन प्रकार के यहां पे इनर्शिया आएगा। मतलब यहां पे ये हो रहा है, इनर्शिया का मतलब या जड़त्व का मतलब, यदि हम देखते हैं वो अपनी अवस्था में जो परिवर्तन करता है, कि गतिमान अवस्था है तो वो उसे रेस्ट में ला ले आओ, यदि रेस्ट है तो उसे मोशन में ले आओ, गतिमान अवस्था में ले आओ, तो वो जो अपनी अवस्था में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होते, वही उसका क्या है, इनर्शिया या जड़त्व कहलाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट टाइप के जो जड़त्व या इनर्शिया हम पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे दिए हुए, ये हुबहू वही एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी प्लस एनआईओएस में दिए गए हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में लिए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सोर्सेस है। तो ये इनर्शिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट या विराम का जड़त पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसे देखिए क्या है कि किसी वस्तु की उस प्रवृत्ति को कारण के कारण जिसमें वो विरामावस्था में ही रहना चाहता है, उसे क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है, विराम का जड़त्व कहा जाता है। इसका मतलब समझ पाए कि वो विराम ही अवस्था में, रेस्ट अवस्था में ही रहना चाहता है, वो मोशन में नहीं आना चाहता, और यदि होता है तो उसका विरोध करता है। ठीक है, तो उसे क्या कह रहे हैं यहां पे उसे क्या कह रहे हैं, जिसमें कि वो अवस्था चेंजेस नहीं करना चाहता, उसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। ये बातें क्लियर हो गई। तो अब यदि देखते हैं, मान लो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा, और यहां पे आपको ये कभी नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा ये एग्जाम्पल पूछेगा कि अगर इस प्रकार की चीजें हैं, हो रही हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है ना, या इस प्रकार का एग्जाम्पल है, ये किसका प्रमुख जो है उदाहरण है, ये पूछेगा। तो जैसे कि यहां पे देखो, जैसे बस जो है, बस खड़ी थी, आप उसमें बैठ गए और अचानक से बस चलने लगती है तो व्यक्ति जो है पीछे की ओर गिर जाता है। तो यहां पे देखो, जैसे आपने यहां पे मान लो खड़ा हुआ पोजीशन है, जैसे आप बस में चढ़े, नॉर्मली खड़े थे, बस अचानक से चलने लगती है, हम सब बस में बैठे हैं तो कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा, तो अचानक आप पीछे गिर जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बस जो है, क्या देख रहे हैं यहां पे देखते क्या है कि आप पहले खड़ी अवस्था में थे, जैसे ही बस चलने लगती है तो आपके नीचे का पार्ट जो है वो मोमेंट गतिमान अवस्था में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, लेकिन ऊपर जो है वो अभी भी क्या कहना चाहता है, विरामावस्था यानी रेस्ट में रहना चाहता है। तो इस प्रकार हम पीछे इस प्रकार गिर जाते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। तो यहां पे एक कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, आपको भी यदि एग्जाम हॉल में इसे दे दिया जाए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बस अचानक से चलती है, खड़ी बस अचानक चलती है तो आप आगे गिरेंगे या पीछे गिरेंगे। तो आपको लॉजिक कैसे लगाना है कि आप अपना नीचे वाला बेस वाला पार्ट देखिएगा जिसमें आप खड़े, तो उसी के सापेक्ष अपने निचले वाले पार्ट को आप रिलेट करेंगे और ऊपर वाला पार्ट आपकी प्राइमरी या इनिशियल स्टेज रहेगी। जैसे कि इस केस में क्या है, आप खड़े थे या बैठे थे तो ये आपकी इनिशियल स्टेज हो गई, अचानक से बस चली तो नीचे वाला पार्ट मोशन में आया कि नहीं, नीचे वाला पार्ट गतिमान अवस्था में आया कि नहीं, तो आप अपने नीचे वाले पार्ट को उसके साथ रिलेट करेंगे, वो आगे चलने लगती है, लेकिन ऊपर वाला क्या करता है, विरोध करता है, वो उसी अवस्था में रहना चाहता है, विराम अवस्था में, रेस्ट जो है पोजिशन में रहना चाहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। पहला एग्जाम्पल अगर क्लियर हो गया है तो बाकी चीजें बहुत आसान है, समझ गए। ठीक है, जैसे घोड़े के चलने पर घुड़सवार पीछे की ओर गिरना, घोड़ा भी यदि चलता है अचानक से दौड़ने लगता है तो वो क्या होता है कि आप बैठते हैं, बैठते ही क्या है वो स्थिर अवस्था में, रेस्ट फेज में, जैसे ही वो घोड़ा जो है मूवमेंट करने लगता है तो आपका नीचेरा वाला पार्ट आगे साथ बढ़ना चाहता है लेकिन ऊपर वाला रुकना चाहता है, तो इसलिए आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप कंबल को छड़ी से पीटते हैं, तो जैसे आप कंबल है आप छड़ी से पीटे तो कंबल में क्या होता है, मोशन में आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो जो कण है उससे डिटैच होकर वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहते हैं, तो इस प्रकार क्या है, वो उससे डिटैच होते हैं और कण गिरने लगते हैं, समझ गए। उसी प्रकार देखते हैं, पेड़ को हिलाने पर उसमें फल जो है टूटकर नीचे गिरते, डगाली को यहां पे हिलाए तो डगाली को जैसे हिलाते हैं क्या है, वो डगाल जो है वो हिलने लगती है उसकी शाखाएं, लेकिन उसमें रहने वाला जो फल है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है, इसके कारण क्या है, वो वहां से टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। ठीक, तो ये बातें क्लियर हो गई, क्योंकि वो बहुत पतले या बहुत ही कमजोर प्रकार की चीजों से जुड़ी होती है, जैसे आम का एग्जाम्पल ले लो या एप्पल का एग्जाम्पल ले लो। ये बातें क्लियर हो गई। अब देखो एक और बात है कि यहां पे देखते हैं, तीव्र वेग से बंदूक की गोली कांच से टकराने पर स्पष्ट छेद हो जाता है।
है ना, बंदूक से जैसे हम देखते हैं किसी कांच को आप गोली मारो तो कांच जो है वो जिगजैग टाइप का या एकदम वो लाइक उस टाइप से फैल के नहीं टूटता, एक छेद हो जाता है कहाँ पे, उतने भाग में जितने भाग में गोली जाती है। इसका वो कैसे रहेगा कि आप जैसे ही उसमें गोली टकराती है हम देखते क्या है, वो अपने साथ उस एरिया के कांच को क्या गतिमान अवस्था में ले आती है और बाकी भाग क्या है स्थिर ही रह जाती है। तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती कि उतने भाग को गतिमान करते हुए आगे निकल जाती है, इस प्रकार वहाँ पर छेद हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पर एग्जाम्पल ग्लास वाला है ना, ग्लास एक कांच का ग्लास है या ग्लास है, उसके ऊपर देखो एक पेपर रख लो, उसके ऊपर सिक्का रख लो, जैसे आप पेपर को जोर से खींचते हैं है ना या फास्ट खींचते हैं तो चूंकि ये कॉइन जो होता है स्थिर अवस्था में है, उसके बाद क्या है कागज भी स्थिर अवस्था में है, ग्लास भी स्थिर अवस्था में है, रेस्ट में, जैसे खींचते हैं वो कागज क्या है मोशन आ जाता है उसमें, और जो है कांच की ग्लास और क्या है आपका कॉइन जो है वो विरामावस्था में ही रेस्ट अवस्था में ही रहते हैं। तो इस प्रकार क्या है कागज तो आगे बढ़ गया लेकिन कांच वो जो कॉइन है वो वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है आपका इनर्सिया ऑफ रेस्ट का। तो इस प्रकार ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए है ना, ऑलरेडी इसका पीडीएफ आप जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर नहीं नोट करना चाहते हैं तो वहां से डायरेक्ट आप उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन नोट करने से एक फायदा ये होता है कि आप अपनी राइटिंग को जो है जब रिवाइज करके करते समय देखते हैं तो तुरंत चीजें रिकॉल हो जाती है। ठीक, ये बातें समझ गए। अब देखते हैं दूसरा, ये है आपका सेकेंड एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, गति का जड़त्व, तो जड़त्व इनर्शिया वर्ड आ गया, तो फिर से वही चीजें आ जाती हैं कि किसी वस्तु की उस प्रवृत्ति को जिसके कारण वह सरल रेखा में एक समान गति में रहना चाहती है वह गति का जड़त्व कहलाता है। यानी कि यहां पे भी चीजें आ रही है कि कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, उसे रोकना अपने आप को रोकना नहीं चाहेगा है ना, वो उसका उसका विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं कि कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान ही रहना चाहेगी, वह स्थिर नहीं होगी है ना। यदि वो स्थिर होती है तो उसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं, बल लगता है, वो सब चीजें है ना, तो उसे हम देखेंगे अभी। लेकिन यहां पर जड़त्व इनर्शिया की बात कर रहे हैं तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है ना, उसे हम क्या कहते हैं जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। तो यहां पे देखो कि यहां पे इसका एग्जांपल ठीक उसका उल्टा है। ठीक है, उसका उल्टा, तो पहला बस वाला एग्जांपल ले लो जहां से कंफ्यूजन होता है आपको बार बार। तो यहां पे देखो क्या है, बस चल रही है आप बैठे हुए, अचानक से रोकने पर आप क्या है आगे की ओर झुक जाते हैं। तो फिर से वही लॉजिक लगाओ कि आपका इनिशियल फेज क्या था, आप गतिमान अवस्था में थे, बस के साथ आप क्या है गतिमान अवस्था में मोशन में थे, अचानक बस पे क्या है ब्रेक लगा, ब्रेक लगते ही बस जो है खड़ी हो गई यानी कि वो रेस्ट अवस्था में आ गई, इसके कारण जो है आपका निचला वाला पार्ट भी क्या है वो क्या है रेस्ट अवस्था में आ गया है ना, स्थिर अवस्था में आ गया। तो अब क्या है ऊपर वाला इनिशियल फेज क्या था, वो तो अपने आप को क्या करेगी उसी अवस्था में रहने का प्रयास करेगी, तो ऊपर इनिशियल स्टेज में क्या था गतिमान अवस्था में था, मोशन था उसमें, तो इस प्रकार आप सामने की ओर इस प्रकार गिर जाते हैं। समझ गए, तो आगे गिरना और पीछे गिरना अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, आपको यहां पे कंफ्यूजन नहीं रखना है, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली टकराएगा क्योंकि ये बेसिक एंड फंडामेंटल पार्ट है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब बाकी एग्जाम्पल भी देख लो, घोड़े जैसा, घोड़ा पे आप बैठे घुड़सवारी कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, मतलब आप मोशन में हैं, अचानक से घोड़ा रुक जाता है, तो रुक जाता है तो उस केस में क्या होता है आप आगे की ओर गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं, क्योंकि वही सेम कंडीशन कि आप देखते हैं कि नीचे वाला पार्ट मोशन में था है ना, अचानक ऊपर वाला पार्ट मोशन में था और पूरा बॉडी इनफैक्ट मोशन में था, जैसे ही वहां पे घोड़ा रुका नीचे वाला पार्ट क्या है रेस्ट अवस्था में आ गया, विराम अवस्था में आ गया, ऊपर वाला अपने आप को मोशन में ही रखना चाहेगा इसलिए आप आगे की ओर गिर जाएंगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो, जब कोई व्यक्ति चलती हुई बस में नीचे उतरता है तो बस ही की दिशा में गिर जाता है। ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल है, किसका, ये आपका एग्जाम्पल है ये इनर्शिया ऑफ मोशन का। जैसे चलती हुई बस है थोड़ा स्लो किया हुआ, कई बार कुछ लोग दौड़ लेते हैं या अचानक से माल उतरेंगे भी तो आप उतरते ही तुरंत उसी दिशा में गिर जाएंगे जिस दिशा में बस जा रही होती है, क्योंकि वो उसी दिशा में आपको रखने का प्रयास करती है। ये बातें क्लियर हो गई। उसके बाद देखो, लंबी कूद,
जैसे लंबी कूद वाला हम सब स्कूल्स के टाइम में या कॉलेज के टाइम में इसे खेले होंगे। तो इसमें देखना जो इस एकदम कम या बहुत कम दूरी से दौड़ते हुए व्यक्ति कितना ताकतवर भी क्यों ना हो, अगर आप देखेंगे दौड़ेगा और कूदेगा तो कम दूरी ट्रेवल करेगा, कम दूरी उसे कवर करेगा। लेकिन जैसे ही दूर से दौड़ के आने वाला व्यक्ति ऑलरेडी क्या है, मोशन में है और वो जंप करता है ना, लंबी कूद की बात की जा रही है, लॉन्ग जंप की बात की जा रही है, तो ये बहुत दूर तक वो पहुंचेगा। इवन ऊंची कूद के समय भी, हाई जंप के समय भी आप देखेंगे थोड़ा तिरछा आप चलते हुए जाते हैं और एक मोशन में आते हैं, तो आपको दौड़ना या कूदना या छलांग लगाना आसान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार लंबी कूद के समय भी क्या है आपका, देखते हैं कि वो इस प्रकार की चीजें आती हैं कि मोशन में अपने आप को रखे रहती है, क्योंकि कुछ दूरी तक चलते हुए दौड़ते हुए आता है, और जैसे ही वो जंप करता है तो वो वहां पर विराम अवस्था में रहने की कोशिश नहीं करता, वो उसी मोशन को आगे फॉलो करने की कोशिश करता है। इस प्रकार वो मैक्सिमम डिस्टेंस अपना कवर करता है। ये बातें क्लियर हो गई। तो गति के जड़त्व के कारण जो है कूदने में आसानी होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण जो है लॉन्ग डिस्टेंस जो है जंप करना आसान होता है। ये बातें सभी को क्लियर हो गई, आई होप। किसी कोई डाउट है तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आप हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद न्यूटन्स लॉ भी हमको देखना है। तो जब यहां पे बातें अगर क्लियर हो गई है तो आगे देखिए कि यहां पे आप देखो इनर्शिया ऑफ मोशन के बाद इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या है कि किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही उस गति की दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। सीधा सीधा है, डायरेक्शन चेंज अचानक करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दिशा का जड़त्व या डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जैसे यहां पे देखो, आप चल रहे होते हैं कार में या बस में चल रहे होते हैं, अचानक से मोड़ आती है। जैसे आप बस में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं, आप लेफ्ट साइड मुड़ते हैं, है ना, तो आप क्या होता है राइट साइड उसकी ओर झुक जाते हैं, राइट साइड जो है चिपक जाते हैं या राइट साइड थोड़ा खिंचाव आता है आपको, है ना। तो आपका सीधा डायरेक्शन क्या होना चाहिए था, लाइक दिस वन, आप सीधा ऐसे जाते, अचानक इस तरफ मुड़ गए, तो जब इधर मुड़े तो किधर, ये जो है इधर आपका जो है, या इस प्रकार जो है आपका खिंचाव आएगा। सीधा सीधा क्या है, उसके डायरेक्शन में क्या है, चेंजेस का विरोध करता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। अब जैसे क्या होता है, यदि रस्सी में पत्थर बांधकर उसे क्षैतिज वृत्त में इस प्रकार आप घुमाते हैं, टूट गया रस्सी, तो वो क्या करता है, अपनी परिधि के साथ साथ, यहां पे जैसे इस प्रकार है तो इधर टूट के गिरेगा, जैसे यहां पे नीचे वाला एग्जांपल देखो, यहां जैसे ही टूटा तो इस प्रकार इस दिशा में वो पत्थर चला जाएगा, तो उसी दिशा में रहने का प्रयास करता है। ये भी इसका एग्जांपल है। किसी प्रकार का इसमें डाउट है तो आप देख सकते हैं इस स्क्रीन में, सब चीजें लिखी हुई हैं, इसे फॉलो करिए, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़े, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस मैकेनिक्स का, और विगत वर्षों में अगर आप पिछले 2-3 सालों का पीएससी का पेपर देखेंगे तो उसमें यहां से क्वेश्चंस पूछा गया है। कोई बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? ये है न्यूटन्स का गति का नियम, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें कि आप देखते हैं पहला मोशन जो है, पहला जो गति का नियम है, ये देखिए, ये सीधा सीधा जड़त्व का नियम, इसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जड़त्व का नियम कह रहे हैं, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं, इसे देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा रेस्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये पढ़े। तीनों में क्या हो रहा था, अपनी वास्तविक स्थिति से बदले जाने पर वो उसका विरोध कर रहा था, ये चीज हो रहा था। तो यहां पे वही चीजों को जोड़ दो कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन को जोड़ दो, यानी विराम अवस्था का जड़त्व, गति अवस्था का जड़त्व को जोड़ दो, तो यहां पे फर्स्ट लॉ बन जाता है। यानी कोई वस्तु अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहेगी, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, है ना, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, उधर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाए, तब तक वो क्या है, उसी अवस्था में रहना चाहेगी। तो ये क्या है, आपका न्यूटन का फर्स्ट नियम, क्योंकि न्यूटन ने इसे डिस्कवर किया था, है ना। तो यहां पे सर आइजैक न्यूटन के डिस्कवरी के कारण इसे क्या है, न्यूटन का फर्स्ट नियम कहते हैं। ठीक है, और यहां पे देखो जड़त्व का नियम इसलिए कहते हैं
गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, और जो है बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है, पूछा गया है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। याद रखिएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ से आपको यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको पूछा जाएगा कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, गैलीलियो का नियम किसे कहते हैं, किससे बल की परिभाषा मिलती है ना, ये आपको पूछा गया है। क्लियर हो गया? इसे एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है, उसमें क्या है, दिशा भी होती है। ठीक, इसका एसआई मात्रक जो है न्यूटन है, इसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। न्यूटन से इसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट करते हैं। क्लियर हो गया इतना दूर? तो यहां पर देखिए, ये इस तरह का साइकिल में जा रहा है, अचानक से क्या है, आप देखते हैं ब्रेक आ गया, कुछ सामने आ गया, तो उस डायरेक्शन में वो क्या है, रहना चाहती है, उसी डायरेक्शन में वो क्या है, रहना चाहती, इसलिए आगे वो गिर गया। ठीक, तो ये बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे क्या है, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, फर्स्ट यहां से बल की परिभाषा मिलती है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका द्वितीय नियम, द्वितीय नियम कुछ नहीं है यहाँ पे, इसे अगर आप देखें तो आप पहला नियम जो देखते हैं, एक्चुअल में ये सेकेंड से ही इनिशिएट हुआ है ना। इसमें क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट होता है एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, एम क्या है यहाँ, मास है, और ए क्या है, ए क्या है यहाँ पे, ये एक्स नहीं है, है ना, मैं इसे इस प्रकार लिख देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे देखिए मैंने कहा एफ इक्वल टू एम इंटू ए, ए क्या है, एक्सीलरेशन है, त्वरण है, एम क्या है, मास है या द्रव्यमान है, और क्या है, बल है एफ। ठीक, तो इसे देख लीजिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ठीक, तो इसे एफ इक्वल टू एम ए से याद रख सकते हैं। कुछ समझ नहीं आया तो आप सीधा ये लिख सकते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो है बल को प्रदर्शित करता है, ये न्यूटन के द्वितीय नियम से हमको पता चलता है, और न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, इसका डेरिवेशन जो है प्राप्त होता है। ठीक, ऊपर वाले से परिभाषा मिला था, और इससे क्या है, इसका डेरिवेशन या व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है, इसी का ही पार्ट होता है फर्स्ट लॉ। ठीक, और द्वितीय नियम को गति का वास्तविक नियम कहते हैं, इसमें से प्रथम और तृतीय दोनों नियम व्युत्पन्न होते हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ हो गया ये है सेकंड, और सेकंड से क्या है, किसका क्रिएशन हो रहा है, फर्स्ट का भी, और इसके बाद थर्ड पढ़ेंगे वो भी। तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है, बल की परिभाषा किससे प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बातें क्लियर हो गई। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और भी इसे एलाबरेट किया जाता है, ठीक है संवेग क्या है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम में पूछा गया है मैं उसी जोन्स को कवर कर रहा हूँ। स्पेसिफिक एग्ज़ाम की जब बात करें, कोई भी विशिष्ट एग्ज़ाम की जिसमें कि साइंस का सिलेबस होता है, तो वहाँ पे इतना जनरलाइज अप्रोच काम नहीं आता, आपको थोड़ा सा और अंदर जाके पढ़ना होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी स्पेसिफिक किसी एग्ज़ाम्स को देते हैं जिसमें कि साइंस का सिलेबस है, तो यहाँ पे इस चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, बट हमारा जो अप्रोच है, चूंकि सीजीपीए से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसे स्किप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे अगला जो है वो न्यूटन का थर्ड लॉ है, और उसके एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखो न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, किसी भी एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे नाव है, यहाँ पे देख रहे हैं नाव था, उसमें एक बंदा जो है जैसे किनारे में पहुंचे, तो किनारे या कोस्ट में जैसे ही पहुंचते हैं तो सीधा आप जमीन में जैसे कूदेंगे, तो क्या है, आप कूदेंगे तो अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या है, नाव पीछे चली जाएगी, है ना। आपने एक्शन आगे किया तो पीछे की ओर नाव चली जा रही है, तो वो एक्शन का रिएक्शन होता है। बंदूक वाला सेम, जैसे गोली चलाते हैं, गोली तो आगे जाएगी लेकिन आपको भी झटका लगता है, क्योंकि उसका रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है। ये बातें क्लियर हो गई। तो इसका एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ये मैं वही एग्जाम्पल लेके आया हूँ आप सभी के लिए, इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, आप इसे देख लीजिए, बहुत आसान भी है। जैसे बंदूक से गोली भी निकली, अभी हमने पढ़ा पीछे की ओर धक्का लगना, ये इसका एग्जाम्पल है। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को आप खींचते हैं, ठीक है, तो खींचते समय रस्सी के टूट जाने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होता, रस्सी टूट गया, एक बाल्टी पानी तो था, नीचे गिरना था, आप क्यों पीछे गिरते।
लेकिन उसमें होता है फोर्स, रिएक्शन या प्रतिक्रिया बल होती है ना, दैट्स वाई आप पीछे की ओर गिरते हैं। समझ गए, नाव वाला एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, पीछे की ओर हटना। रॉकेट या जेट विमान की उड़ान जो होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग के समय, इसी में थ्रस्ट दिया जाता है, न्यूटन के थर्ड लॉ से उसकी प्रतिक्रिया आती है, ऊपर जाता है। ठीक, समझ गए। तैरते समय व्यक्ति हम अपने हाथों से, जैसे जिनको स्विमिंग आता है, आप स्विमिंग कर रहे होते हैं तो पानी को पीछे इस प्रकार पीछे की ओर ढकेलते हैं, तो उसका प्रतिक्रिया स्वरूप आप आगे की ओर जाने लगते हैं। ये बातें क्लियर हो गई, तो ये भी बहुत सिंपल है ना। उसके बाद देखते हैं कि क्या है, चलते समय कोई व्यक्ति अपने पैरों को तिरछा करके जमीन को दबाता है तो वो क्या है, जैसे हम चलते हैं पैदल चले जैसे, तो आप शूज पहने हैं या खाली पैर भी चल रहे हैं, तो जनरली जैसे बालू में चलना आपके लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पे बालू में क्या है, जैसे आप वो बालू को दबा के आगे बढ़ेंगे ना, तो उसे जो प्रतिक्रिया बल रिएक्शन जो होता है वो कम आता है, जबकि आप सॉलिड वाला फेस में अगर देखेंगे तो वहां प्रतिक्रिया स्वरूप जो है ज्यादा आता है। तो यहाँ पे देखो, रेतीली जमीन पर चल पाना कठिन होता है क्योंकि पैरों के धस जाने के कारण जमीन से प्राप्त होने वाला प्रतिक्रिया बल बहुत कम होता है। ठीक, तो ये बातें क्लियर हो गई, इससे क्या है हमको चलने में कठिनाई होती है। उसी प्रकार देखो, बर्फ पर चल पाने में असमर्थ क्यों होती है, तो पहला ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज जो है, दो चीजें जब भी ऐसा कांटेक्ट में आएगी, अगर दोनों में फ्रिक्शन या घर्षण है, घर्षण भी क्या एक बल है, तो घर्षण यदि है तो उस केस में वहां पर चलना आसान होगा, क्योंकि बर्फ का जो सतह होता है वो बहुत चिकना होता है, वहां पे घर्षण बल का मान जो है नगण्य या नेग्लिजिबल होता है, इस कारण हम वहां फिसल जाते हैं। कोई भी ऐसी जगह जहां पे आप फिसलते हैं उसका कारण यही घर्षण या फ्रिक्शन बल है, तो फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं, फ्रिक्शन नहीं होता तो नहीं चल पाते, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, बर्फ और क्योंकि घर्षण नगल होता है इसलिए क्या है, यहां पे हम प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं कर पाते। घोड़ा जो होता है, घोड़ा गाड़ी वाला, कि तो घोड़ा गाड़ी को खींचते समय क्या करता है, जमीन को अपने खुर से या पैरों से दबाता है और इस प्रकार वो आगे बढ़ता है। ठीक, तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल है आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ का। ये बातें क्लियर हो गई आप सभी को, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ कि वो स्टूडेंट जो यहाँ साइंस के पार्ट को, या ऑलरेडी वो साइंस ग्रेजुएट है, साइंस का उन्होंने आगे पढ़ाई कर रखा है, तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन सिली चीज़ें एक बार पढ़ लेने से, या कुछ चीज़ें जैसे आपने पास्ट में पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज करने से, ऑब्वियसली आपका वैल्यू एडिशन ही होगा। और बाकी स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं रहे, उनके लिए कम से कम ये सब चीज़ें डिफिकल्ट तो नहीं लगेंगी, क्योंकि ये चीज़ें आप आसानी से देख रहे हैं, इसे आप समझ रहे हैं। तो हम यदि इसे समझ लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि अगला जो पार्ट आएगा ये आएगा क्या है, फिर से यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आएगा, फोर्स रिलेटेड, बल से रिलेटेड, जिसमें कि आपको सेंट्रिपेटल और सेंट्रीफ्यूगल, अभी केंद्रीय और अपकेंद्रीय बल दो टाइप के नाम सुनते हैं, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है कई बार, और यहाँ से एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम इस पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, दो प्रकार की चीज़ें आ रही हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि एक राउंड, इस प्रकार राउंड से में देख रहे हैं, कार जो है इस प्रकार मूवमेंट कर रही है, मोशन में है, गति में है। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि अंदर की ओर एक बल लगता है, अंदर की ओर एक फोर्स लगता है, और एक फोर्स लगता है बाहर की ओर, तो उसे हम किस प्रकार यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, उसका एग्जाम्पल क्या है, इसे हम देखेंगे। तो देखो, इस स्क्रीन में एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं, अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपिटल, तो इस केस में क्या है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, तो अभिकेंद्रीय केंद्र की ओर, तो इस बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये फोर्स नहीं होता तो कोई भी वस्तु इस सर्कुलर फॉर्म में या फिर इस वृत्ताकार मोशन में यहाँ पे गति बिल्कुल नहीं कर पाता। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई भी वस्तु अगर राउंड शेप में घूम रही है, सर्कुलर पाथवे पे घूम रही है, वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है, वहाँ पे अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रिपिटल फोर्स काम कर रहा है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो याद रखें, इसका एग्जाम्पल क्या है, सूर्य के चारों ग्रह जैसे हम परिक्रमा कर रहा है ना, रिवॉल्विंग हो रहा है। ठीक है, तो उसके कारण क्या है, उसका कारण क्या है, इसी सेंट्रिपिटल फोर्स को कहते हैं। प्राकृतिक ग्रह, कृत्रिम ग्रह जो अभी है, क्या मूवमेंट कर रहे हैं किसी भी प्लेनेट के बाहर चारों तरफ,
है ना, किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ कोई भी आप नेचुरल जो प्लैनेट बात करते हैं या नीचे से हम ऊपर छोड़ते हैं कोई सैटेलाइट को, तो वो क्या है, मूवमेंट किस लिए करता है, बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, समझ गए। तो अब ये वाला बात क्लियर हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, समझ गए, इस प्रकार ये बल लगता है, समझ गए, ये बातें क्लियर हो गई। अब देखो दूसरा ये है अपकेंद्रीय या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यहां पे देखिए कि अजड़त्वी फ्रेम, अजड़त्वी फ्रेम का मतलब क्या है, अभी हमने जड़त्व पढ़ा, बताओ जड़त्व किसे कहते हैं, हमने बताया था जो अपनी वास्तविक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। बट जड़त्वी फ्रेम, अजड़त्वी फ्रेम मतलब उस प्रकार का फ्रेम ना, जड़त्व का वहां पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करें, तो उसे हम अजड़त्वी फ्रेम कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या है, देखो कि न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। इन बलों को हम स्यूडो फोर्स या छद्म बल कहते हैं या जड़त्वी बल कहलाते हैं, ठीक है, ये बातें समझ गए। तो यहां पे देखिए आप केंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वी बल या क्या है देखते हैं छद्म बल या स्यूडो फोर्स है। यहां पे देखो न्यूटन का लॉ, कुछ देखो फिजिक्स में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तीनों में या विज्ञान की बात करें ओवरऑल, तो नियम और सिद्धांत दो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, एक होता है लॉ और दूसरा होता है प्रिंसिपल। तो लॉ जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, सार्वत्रिक या सार्वभौमिक होता है, वो हर जगह अप्लाई होता है, उसे आप नकार नहीं सकते क्योंकि वो प्रूवन होता है, वो क्या होता है, सिद्ध हो चुका होता है कि ये सार्वत्रिक या यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के तीनों नियम क्या है, वो सार्वत्रिक या यूनिवर्सल है। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, वो क्या है, आपका सार्वत्रिक नियम है, ये बातें समझ गए। तो कई बार क्या होता है कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सार्वत्रिक होते हैं, वहां वो अप्लाई होना ही होना है, उस केस में हम क्या करते हैं कि हम वहां पे किसी ऐसे मेथड को या उसकी प्रक्रिया को, उसका उसमें होने वाली क्रियाविधि को नहीं ढूंढ पाते, तो यही सार्वत्रिक नियम आपको हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है फोर्स का, तो यहाँ न्यूटन का लॉ अप्लाई होगा ही होगा, अब उसे ढूंढो, इट इज सिमिलर लाइक दैट। तो अप केंद्रीय या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जनरली क्या कहा जाता है, इस प्रकार का एक फोर्स नाम, फोर्स से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जड़त्वी बल या स्यूडो फोर्स कहते हैं। तो ये क्या होता है, अगर केंद्र की ओर ये बल लग रहा है तो बाहर की ओर भी एक बल प्रतिक्रिया स्वरूप लगना चाहिए कि नहीं, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ हमको पता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं इधर केंद्र की ओर लग रहा था ये बल, तो इसके बाहर की ओर भी बल लगना चाहिए कि, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया होगा, एक्शन का रिएक्शन होगा, होगा कि नहीं। तो ये वही चीज है, तो ये भले ये बल जो है सेंटर की ओर लगने वाला जो फोर्स है उसका वैल्यू ज्यादा होगा तो अंदर की ओर खिंचाएगा, अगर बाहर जाने वाला फोर्स ज्यादा होता तो बाहर की ओर जाएगा, है ना। अभी वॉशिंग मशीन या दूध से या लाइक यहां से जो है क्रीम निकालने वाला जो मेथड होता है उस केस में बाहर लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। किसी भी वृत्ताकार गति में अगर कार जो है घूम रही है, किसी प्रकार की चीजें हो रही है, तो अंदर की ओर जो है उसका झुकाव जो है, चूंकि फोर्स ज्यादा होता है ना, तो उसके कारण वो अंदर की ओर खिंचाएगा। तो इसके एग्जाम्पल से और चीजें क्लियर होंगी। जैसे देखो इसकी दिशा अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल की विपरीत दिशा में होती है, जो मैंने वहां बताया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कपड़ा सुखाने की मशीन, या इसे वॉशिंग मशीन हम कह रहे हैं, यहाँ पे कपड़ा धोना और सुखाना है ना, ये मिस हो गया, लिख लीजिए, धोना और सुखाने की मशीन जो होता है उस केस में क्या किया जाता है, इस प्रकार घूमता है। अगर आप वॉशिंग मशीन के अंदर को देखेंगे तो इसमें ब्लेड जो लगा होगा है ना, इस प्रकार क्या है, इस प्रकार घूमने वाला होगा, इस प्रकार होता है। तो कुल मिला के ये जैसे ही निकलेगा तो यहाँ मैल जो है डिटैच होते जाएंगे, मैल क्या है बाहर की ओर इस प्रकार फेंकाते जाएंगे, क्यों, क्योंकि बाहर की ओर जो है ज्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इस प्रकार मैल डिटैच होता है। दूध से मक्खन निकालना या क्रीम निकालना, बटर जो निकालते हैं दूध से, मिल्क से, है ना, जो मक्खन जो है ना, या क्रीम जो निकालना है ना, मही के समय में क्या इस प्रकार आप यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं कि नहीं, कि उसमें आप लाइक मक्खन निकालने के लिए। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ पे कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय, तो अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल, ये बात आपको ध्यान देना है।
ये बातें क्लियर हो गई। अब यदि चीजें क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस लाइक मैकेनिक्स में एक और पार्ट आता है, दैट इज अबाउट अ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन्स सर आइजक न्यूटन ने इसे डिस्कवर किया था कहा जाता है, और किताबों में उल्लेख मिलता है कि सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब अचानक नीचे गिरा, उन्होंने सोचा सेब नीचे ही क्यों गिरा, वो वहां रुका क्यों नहीं, ऊपर क्यों नहीं गया। तो यही से उनका लॉजिक स्टार्ट हुआ और उन्होंने क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया, है ना। यहाँ पे बार बार फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस नियम को डायरेक्टली आपको नहीं पूछेगा, लेकिन नियम का जो एप्लीकेशन है इसे पूछता है एग्जाम में। और यहाँ पे अगर देखेंगे पेपर्स में प्रीवियस ईयर्स में तो यहाँ पे दिख जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ न्यूटन साहब ने ये कहा कि मान लो दो वस्तु है, एक होता है मान लो उसे M1 कहते हैं, दूसरे वस्तु का नाम M2 कहते हैं, दोनों के बीच की दूरी क्या है R है, तो इसमें लगने वाला जो बल है F इक्वल टू क्या होता है M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये F इज प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है, F इज प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है ना आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये होता है अगर आप प्रोपोर्शनल टू को हटाना है तो अब क्या हो जाएगा, इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जी, कैपिटल जी है, याद रखना। तो अब क्या लिखेंगे इस प्रकार, इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, मैं इसे मिटा के लिखूं, तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं क्या, एफ इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा क्या है ये जी की वैल्यू, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है या नहीं मालूम होता है कि जी और कैपिटल जी में अंतर होता है। ठीक, अभी देखेंगे क्या अंतर, और यहाँ पे दोनों की वैल्यू भी अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग है तो अलग अलग वैल्यू ही आएगी। तो देखो अगर हम देखते हैं इसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, और जबकि नीचे क्या है, ग्रेविटी ऑफ एक्सीलरेशन, सॉरी एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, नीचे वाले को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। दोनों की वैल्यू लिख लो, आपको एग्जाम में काम आ सकता है ना। ये वैल्यू है किसका, वैल्यू ऊपर वाला वैल्यू कैपिटल जी का है ना, 6.67 गुणित 10 का घात ऋण 11। ठीक, और यहां पे देखते हैं स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8। यह है, ये क्या है आपका फोर्स है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे देखो क्या आ रहा है, मैंने कहा यहां पे न्यूटन, यहां पे एन न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण है भाई, है ना, इसने किलोग्राम आ रहा है, अभी देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या है। लेकिन यहां पे देख लो, यहां पे इस प्रकार चीजें आ रही है, आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो वैल्यू है 6.67 गुणे 10 का घात 11। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप नोट करिए और समझिए। तो यहां पे इस स्क्रीन में देखिए कुछ बातों को ध्यान देना आपको। आप में से कोई बता सकते हैं कि लाइक इस यूनिवर्स में या इस नेचर में चार फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से, चार मौलिक बल किन्हें कहा जाता है, कोई बता सकते हैं, चार प्रमुख या मूलभूत बल जो इस पृथ्वी पर है वो क्या क्या है। तो इसमें याद रख लेना कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल भी एक ऐसा बल है जो मूलभूत या फंडामेंटल फोर्स है। तो चार बलों में सबसे जो वीक होता है वो यही फोर्स होता है, कौन, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होता है, तो चार बल है उसे लिख लीजिए, बहुत आसान भी है, जिनको नहीं पता था नोट कर लीजिए। चार मूलभूत बल है ना, फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ द नेचर और अर्थ, दैट इज फर्स्ट वन इज कि जो नाभिकीय बल होता है ना, स्ट्रॉन्ग नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ये फर्स्ट होता है, सबसे स्ट्रॉन्गर होता है। दूसरा होता है, आप यहां पे लिख लें, दूसरा इंपॉर्टेंट होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अर्थ, दूसरा क्या होता है चुंबकीय बल। ठीक है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड जो है
न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो वीकर वाला भी होता है, ये थर्ड में आएगा, और सबसे जो होता है कम जो होता है जिसका वैल्यू वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ये चार प्रकार के मूलभूत बल हैं। तो हम यहाँ पे चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि एक वस्तु, है ना, हमने देखा कि न्यूटन साहब ने देखा कि सेब नीचे गिरा है। तो मान लो सेब को एक ऑब्जेक्ट M1 मान लो, सेब को एक M1 मान लो, और पृथ्वी को दूसरी वस्तु M2 मान लो, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, है ना, यही कहता है न्यूटन का बल, ठीक है, कि एक दूसरे वस्तु को वो आकर्षित करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, पृथ्वी, यहाँ पे पेड़ के केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे एप्पल है था, यहाँ पे नीचे सोए हुए थे, जैसे ये फल जो है इस प्रकार नीचे गिरा, तो पृथ्वी क्या है, अपने केंद्र की ओर उसे क्या खींचने की कोशिश करता है, तो ये ऊपर का जो है एप्पल नीचे गिरा, तो यहाँ इस वस्तु पर ये वस्तु क्या है, आकर्षण बल लगाया, ठीक। तो ये क्या है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या है, कौन खींचती है, उसके कारण जो त्वरण या एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, लाइक एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका वैल्यू क्या है, 9.8 होता है, मैंने बताया। अब यहाँ पे याद रखो, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है। देखो, ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होती है, अराउंड 10 होती है स्मॉल जी की वैल्यू, और यहाँ पे होती है, बाकी जगह होती है 9.8। कहाँ पे, विषुवत रेखा या इधर जो है 45 डिग्री वाले एरिया में, 45 डिग्री वाले अक्षांश या लैटिट्यूड में यहाँ देखते हैं, इसका वैल्यू 9.8 होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक बात समझिए कि ऐसा क्यों होता है, आप समझ रहे हैं कि क्यों डिफरेंस है, भाई पृथ्वी तो एक ही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू क्यों निकल रही है। तो इसका कारण ये माना जाता है कि यहाँ पे इक्वेटर या विषुवत रेखा में देखते हैं, भूमध्य रेखा में देखते हैं या विषुवत रेखा में या इक्वेटर में देखते हैं, इसका जो है व्यास या इसका क्या है रेडियस जो होता है, सॉरी इसका लाइक परिधि, है ना, इसका व्यास जो होता है वो पेरिफेरी जो होता है वो ज़्यादा होता है ना। और जबकि यहाँ पे देखते क्या है, ध्रुवों पर इसका व्यास जो है कम होगा इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जी का मान अधिकतम होता है और यहाँ पे जी का मान न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा पर क्या है वो न्यूनतम होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब जी का वैल्यू जो है पूछा जाता है, जी का वैल्यू आपके पीएससी में पूछा है, आप उठा के देख लो पेपर कि कहाँ घटता है कहाँ बढ़ता है। तो यहाँ पे देख लो वही से क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, जी के मान में परिवर्तन कैसा है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान डिक्रीज होता है, पहला चीज याद रखिए। दूसरा, पृथ्वी के ध्रुव यानी पोल पर जी का मान मैक्सिमम होता है, जो अभी मैंने बताया, इक्वेटर या भूमध्य रेखा पर सबसे मिनिमम होता है, ये हमने समझा। और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, या क्या है, घूर्णन अपने आप रोटेट कर रहा है कि नहीं, पृथ्वी रिवॉल्व भी कर रहा है, परिक्रमा भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, घूर्णन भी कर रहा है पृथ्वी, ठीक है। तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, है ना। ये क्या है, एक्सीलेशन ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, स्मॉल जी का वैल्यू है। ये बातें सभी को क्लियर हो गई क्या, इसी कोई कंफ्यूजन, आई होप नहीं होना चाहिए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों को कवर करते हैं। अब देखो प्रेशर को लेकर, तो प्रेशर का जो है ये पार्ट अगर देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला लंबवत बल, हम क्या देखते हैं उसे कहते हैं दाब। दाब क्या कहते हैं, दाब। यदि यहाँ हवा आपके ऊपर, हम सबके ऊपर, ऊपर से नीचे दबाव डाल रहा है, वायुमंडल की हवा, तो उसे वायुमंडलीय दाब कहेंगे, सिंपल है। तो वायुमंडलीय दाब से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके दाब से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दाब का मात्रक पूछा गया है पास्कल, दाब का यूनिट क्या है, पास्कल पूछा गया है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके यूटी, इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, बार बार ये पूछा जाता है, कोई भी ऐसा यूनिवर्सल जो है लॉ होता है या कोई भी ऐसा प्रिंसिपल या सिद्धांत होता है, उसका जो आप एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि वो दैनिक जीवन का भाग होता है, डेली लाइफ का पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, सुई या कीलों को एक नुकीला इसलिए बनाया जाता है ताकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम किया जा सके,
और सुई तथा कील सरलता से उस दीवार पर या फिर आपके कपड़ों में घुस सके। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम करेगा तो वो वहां क्या है, वहां पे देखते हैं ज्यादा आसानी से, क्षेत्रफल कम हो रहा है तो ज्यादा आसानी से वो अंदर घुसेगा। ठीक, ये बात है, समझ गए? तो यहां पे इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा, कार वॉश हेतु जब हम क्या करते हैं, जब किसी पाइप को हम क्या करते हैं उसमें नोजल फिट किया जाता है ना, तो वो प्रेशर ज्यादा क्रिएट करता है, वो आसानी से धुलाई होती है। तो यहां पे भी क्या है, प्रेशर को जो है कम या ज्यादा करने के लिए, क्षेत्रफल कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो पानी अधिक प्रेशर से बाहर निकलेगा, तो बस वही एग्जाम्पल। ठीक, तो दाब, क्षेत्रफल कम करने पर दाब बढ़ रहा है, यहां पे इस बात को ध्यान देना है। ठीक, अब यहां पे देखिए, यदि किसी को किसी लोहे के टुकड़ा फुटबॉल दोनों से चोट लगती है, मान लो किसी ने पत्थर मार दिया, लोहे से मार दिया और फुटबॉल आके लग गया, तो फुटबॉल क्या है उसका बड़ा साइज है, तो आपको जैसे ही लगा तो उसमें क्या है, दाब जो है बहुत सारे क्षेत्रों में फैल गया, तो आपको दर्द कम होता है, लेकिन वो छोटा चीज या पत्थर से या लाइक लोहे से आपको लगता है जो उसका एरिया कम होता है, तो अधिक दाब वहां पे डालता है आपके बॉडी पर, इसलिए आपको दर्द ज्यादा होता है। ये बात क्लियर हो गई, बहुत सिंपल है। इसके बाद देखिए वायुमंडलीय दाब, जैसे अभी मैंने बताया वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या है, बताया कि वायुमंडलीय दाब क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई पर या ऊपर की हवा के वजन द्वारा लगाया गया बल, कुछ नहीं है, ऊपर वजन है, ऊपर हवा है वायुमंडल में, वो किसी भी एक यूनिट को लिया जाता है ना, जब भी इस प्रकार की चीजें एक्सप्लेन की जाती है प्रति इकाई क्षेत्रफल लिया जाता है, पर यूनिट एरिया। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि ऊपर के हवा के द्वारा नीचे है ना प्रति इकाई क्षेत्रफल पर या आप पर या हम पर या किसी भी चीज पर जो बल लगाती है, दबाव जो डालता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब या एटमोस्फेरिक प्रेशर। आई होप ये बात क्लियर हुई। तो अब यहां पे देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, बार होता है, एक बार इक्वल टू क्या होता है, 10^5 जो है पास्कल, पास्कल की भी क्या है दाब का सूत्र, दाब का यूनिट है, लेकिन यहां पर वायुमंडलीय दाब के लिए बार यूज किया जाता है, समझ गए? अब इसका जो एग्जाम में पूछा गया, ये बहुत स्टार करके रख लो भाई, यहां से क्वेश्चंस बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, है ना। तो यहां पे देखो, जब पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है। आप हिमालय या किसी भी पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ों पर दाल नहीं गलती, दाल आप किसी भी चीज को बॉइल करो तो वहां पर क्या होता है, वो बहुत लंबा समय लेता है, लेकिन दाल नहीं गलता वो। ठीक, ऐसा क्यों होता है, तो उसका सीधा सीधा रिलेशन इसी वायुमंडलीय दाब से भी होता है, और उसके हालांकि उसके क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट से भी रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे वायुमंडलीय दाब के बेस पे भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कैसे, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती क्योंकि ऊपर जैसे से जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटते जाता है। उसी प्रकार हम क्या देखते हैं कि अच्छा, जब वायुमंडलीय दाब क्या है घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, वायुमंडलीय दाब घट जाएगा तो यहाँ पे क्या देखते हैं, उसके क्वथनांक में परिवर्तन आ जाता है, उसके क्वथनांक में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण जो है आसानी से जो वस्तु जो है मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होती, हो सकता है कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, है ना, उसको क्या है 120 चाहिए या उसको और उसकी ज़्यादा चाहिए, तो समथिंग उसमें चेंजेस हो जाता है, जिसके कारण जो है पहाड़ों पर दाल नहीं गलती। देखो उसके बाद देखो, यहाँ पे वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन में स्याही रिस जाती है, वो भी किसके कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण होता है, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं वायुयान में बैठे हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो गया तो वो भी स्याही रिस गई। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, किससे मापा, ये यंत्र का नाम क्या है, मशीन का नाम क्या है, बैरोमीटर, बार क्या है उसकी इकाई है, किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। और बैरोमीटर क्या यूज किया जाता है, मौसम संबंधित जो पूर्वानुमान होते हैं इसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण कंडीशन आएगा, है ना, उसे ध्यान से देखिए। जब बैरोमीटर जिसमें कि वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, जैसे ही देखते हैं बैरोमीटर में अचानक से क्या है उसका रीडिंग गिर जाता है, तो हम देखते हैं वहां आंधी तूफान आने के चांसेस होते हैं। जब क्या करते हैं उस बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे नीचे गिरती है, तो हमको पता चलता है कि हाँ उधर से क्या है इस प्रकार की हवा आ रही है जो वर्षा कराने वाली है, जो क्या कराने वाली है, वर्षा यानी कि बारिश होने की संभावना बढ़ती है।
उसी प्रकार जब देखते हैं बैरोमीटर का पाठ्यांक अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो हमको लगता है कि हाँ अब साफ जो है वेदर या दिन जो है वो साफ होना चालू हो गया है या वेदर साफ होने की संभावना बनती है। आई होप ये सभी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहां से इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए मैंने इसे कराया। अब यहां पे कुछ और कंसेप्ट आया है उसे भी देख लीजिए, फिर आज की क्लास हम वाइंड अप करेंगे। तो यहां पे हम देखते हैं जो है एक और पूछा जाता है कि छोटी सी सुई जो है आप देखते हैं पानी में गिराने पर जो है डूब जाती है, लोहे का एक टुकड़ा जो है ना, सुई तो खैर कई बार तैरता भी है, उसे हम कैपिलरी या केशिकत्व से भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे है लोहे का छोटा सा टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लेकिन विशाल जहाज जो है क्यों नहीं डूबता। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल होता है या सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन किससे करते हैं, आर्कमिडीज से सिद्धांत से करते हैं। तो यहाँ पे विशाल जहाज पानी में नहीं डूबता क्योंकि यहाँ पे आर्कमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, आर्कमिडीज का सिद्धांत, ठीक है, आर्कमिडीज प्रिंसिपल के कारण जो है विशाल जहाज नहीं डूबता, याद रख लेना। ये सीधा एग्जांपल पूछा है, इसे आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्कमिडीज सिद्धांत से इसे एक्सप्लेन करते हैं विशाल जहाज का ना डूबना, ठीक है, जिसमें कि वो जब चलती है उसमें हटाए गए जो बल का है ना रोल होता है, उसमें जो पानी वो हटाती है उसका रोल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ आर्कमिडीज सिद्धांत से इसे आप एक्सप्लेन करते हैं। सीधा हम आगे बढ़ते हैं कुछ और बातों की ओर, तो जिसमें एक होता है कैपिलरी या केशिकत्व। कैपिलरी या केशिकत्व ये होता है जब किसी ऐसी पाइप को या ऐसी पतली नली जिसका रेडियस या उसका जो है कहना चाहिए व्यास बहुत ही कम होने के केस में क्या है, वो नीचे की चीजें जो है ऊपर खींचने लगती है, नीचे के जल जो है द्रव को क्या ऊपर चढ़ाने लगता है, ठीक है, उसे उस प्रकार के गुण को हम क्या कहते हैं, केशिकत्व या कैपिलैरिटीज कहते हैं, ठीक है, केशिकत्व या कैपिलैरिटी कहते हैं। तो इसमें देखो कैपिलैरिटी का एग्जाम्पल आपको पूछा गया है, किसका उदाहरण है पूछा गया है, तो यहाँ पे भी देखो क्या है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र रूप से सोख लेता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र बनते हैं जो किसका काम करते हैं, इस प्रकार पतली नली जिसका व्यास बहुत ही छोटा होता है, तो इस प्रकार यहाँ से उस प्रकार क्या ऊपर चढ़ने लगता है। तो ये क्या है, छोटे छोटे केस नली बन जाते हैं ब्लॉटिंग पेपर, इसलिए इसमें चूंकि वो स्याही को इसलिए सोख लेता है, ठीक। लालटेन या लैंप की बत्ती में जब मिट्टी तेल को ऊपर खींचता है तो उस प्रकार उसमें भी देखना उसका जो बत्ती जो होता है उसमें भी छोटे 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 इसका छेद होते हैं। नॉर्मल कपड़ा लग के चलाओ तो नॉर्मल कपड़ा से आसानी से नहीं जलेगा, थोड़ा बहुत जलेगा लेकिन वो खींचने की पावर कैपिलरिटी पावर नहीं हो पाती, ठीक। तो यहाँ पे इस प्रकार देखते हैं कि वो तेल ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधों की शाखाओं तनों एवं पत्तियों में जो जाइलम फ्लोएम से क्या है, जाइलम से जल और खनिज लवण नीचे से ऊपर जाएगा, और उसी प्रकार देखते हैं कि फूड जो फोटोसिंथेसिस से बनता है वहां से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में क्या है भोजन पहुंचेगा, तो वो किससे होता है कैसे होता है, जाइलम और फ्लोएम से, जाइलम से जल और खनिज लवण जाएगा, फ्लोएम से जो है फूड जाएगा जो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज वगैरह बनता है, तो इस प्रकार उसका कैसे मूवमेंट होगा, हम जानते तो हैं कि जाइलम फ्लोएम है ना, वो संवहन ऊतक है, वस्कुलर टिश्यू है, लेकिन वहां पे कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है, कौन सा सिद्धांत यूज हो रहा है, यही कैपिलरिटीज का। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, जल और आवश्यक लवण केशिकत्व क्रिया के कारण पहुंचते हैं। वर्षा के कारण किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है कि भाई एक खेत है वहां पे आपने खूब सारा लाइक फर्टिलाइजर डाला, गोबर डाला और वहाँ पे धान बो दिया या दूसरे प्रकार के किसी प्रकार का फसल आपने लिया, उसको फिर आपने हार्वेस्ट कर लिया, उसे क्या है हासिल कर लिया, अगले साल फिर से करो, क्यों जुताई कर रहे हो उसको। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस मिट्टी में क्या है वहाँ पे नमी बनी रहे, कैसे नमी बनी रहेगी, वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे कैपिलरीज बन जाते हैं, केशिकत्व बन जाते हैं, जिसके कारण नीचे की मिट्टी से क्या है, नीचे की मिट्टी से पानी ऊपर भी आता है, पहला केस नीचे, और क्या है दूसरा क्या है, उसमें थोड़ा पोर्स बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, इससे ऊपर की चीज़ें नीचे भी पहुंच पाती हैं, इस प्रकार इसलिए खेत की जुताई करना जरूरी है। ऐसा भी होता है कि आप अभी लाइक विंटर सीजन में आप खेत से हार्वेस्ट कर लिए धान वगैरह, इसके बाद अभी से उसकी जुताई कर दो, गर्मी तक रहने दो, मान लो आप रबी क्रॉप नहीं ले रहे,
तो 6 महीने तक या 5-6 महीने तक आप उसे 2 से 3 बार आप जुताई करो, तो वो और ज़्यादा उसमें नमी या ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, ठीक, क्योंकि वहाँ पे वो सॉइल जो है वो प्रॉपर उसका नरिशमेंट इस केस में हो जाता है कि उसमें नमी प्रॉपर पहुँच सकती है ना, और कैपिलरीज इस प्रकार बन जाते हैं, समझ गए। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अब देखो एक बात याद रखिएगा, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण पानी की सतह पर तैराई जा सकती है। पृष्ठ तनाव क्या है? सरफेस टेंशन। ये होता है कि कोई भी जो लिक्विड होता है जैसे पानी है, पानी जो है अपने आप को कम से कम वॉल्यूम में रखने, कोई भी द्रव अपने आप को कम से कम वॉल्यूम में रखने का प्रयास करती है, तो वो जो सरफेस पे जो इस प्रकार का तनाव या टेंशन बन जाता है ना सरफेस या सतह पर, उसे हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पतली सुई जो है पृष्ठ तनाव कारण पानी की सतह पर तैराई जा सकती है। साबुन या डिटर्जेंट जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं और मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा साफ हो जाता है। एक तो हमने वो पढ़ा है केमिस्ट्री में, हम उसे पढ़ेंगे भी, लाइक हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, कठोर जल मृदु जल, ये है जिसमें कि हम डिटर्जेंट एंड साबुन का रोल भी पढ़ेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ वहाँ पे एक्सप्लेन हम दूसरी तरीके से करेंगे जिसमें उसके सॉल्ट बन जाते हैं, उसके लवण बन जाते हैं, उसके कारण हम उसे लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड और कार्बोनेट वगैरह बन जाते हैं, सल्फेट बन जाते हैं, तो वहाँ पे हम उसे अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे ये समझिए कि साबुन और डिटर्जेंट जैसे डालते हैं तो उस पानी का जो है सरफेस टेंशन कम हो जाता है, इससे मैल आसानी से क्या है या कपड़े से आसानी से मैल जो है डिटैच हो जाता है, हट जाता है, ठीक। साबुन के घोल में बुलबुले इसलिए बड़े बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। भाई पृष्ठ तनाव को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो कम से कम वॉल्यूम में रखने का प्रयास करती है इस प्रकार। लेकिन जब हम देखते हैं कोई इस प्रकार का गुब्बारा बन रहा है या आप जैसे बच्चे लोग खेलते हैं, फूंक देने पर इस प्रकार का बबल बन रहा है ना, तो इस प्रकार का जो बबल बन रहा है वो बबल किस लिए बन रहा है? क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो गया, तो इस प्रकार वो फैलने की क्षमता बढ़ गई। सरफेस टेंशन ज़्यादा होता तो वो तो कम से कम वॉल्यूम में रखने की कोशिश करता, अगर ज़्यादा होता तो इस प्रकार बुलबुला जो है बन ही नहीं पाता, समझ गए। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और डूबकर मर जाते हैं, ठीक। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है सरफेस टेंशन का। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है लेकिन जो है ठंडा सूप जो है वो आपको बिल्कुल टेस्टलेस लगता है, क्यों? क्यों सोचो, गरम सूप है तो इसका क्या है? गरम सूप इसलिए क्योंकि गरम द्रव का तो पृष्ठ तनाव कम होगा तो ज्यादा फैलेगा, ज्यादा फैलेगा। अभी हमने बताया कि वॉल्यूम्स जो है सरफेस टेंशन कम मतलब वॉल्यूम ज्यादा, सरफेस टेंशन ज्यादा मतलब वॉल्यूम कम, आयतन कम। तो यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, यहाँ पे कम हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आयतन में, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में फैलने का प्रयास करेगा, मतलब जीभ या अपने टंग के अलग अलग भागों तक वो पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार आपका टेस्ट जो है ज़्यादा अच्छा आता है सूप का जब वो गर्म होता है, तो क्योंकि आपके टंग या जीभ के सभी भागों में फैल जाता है। वो अलग बात है कि आपके टंग में जो है टेस्ट वाले बर्ड होते हैं, स्वाद कलिकाएँ होती हैं, वो अलग मैटर है, ठीक। लेकिन अल्टीमेटली आप इस बात को समझ पाए क्या कि ये आपका एग्जाम्पल है जो कैपिलरी से पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पे इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। तो इस प्रकार यहाँ आपने देखा कि केशिकत्व या कैपिलरीज को, तो ये कैपिलरी या केशिकत्व जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपके अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण जोन्स को हमने कवर किया जहाँ से विगत वर्षों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहती है, आने वाले वर्षों में भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल वगैरह जितनी भी बातें मैंने बताई ये वो सभी एग्जाम्पल हैं जो आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी प्लस एनआईओएस यानी तीनों गवर्नमेंट सोर्सेज से हमने इसे लिया ताकि आपको ज़्यादा बेहतर कंटेंट मिल सके। तो इस टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। किसी भी प्रकार के डाउट या कुछ क्वेरीज हैं आपको तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।